सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। निषाद संकल्प यात्रा को लेकर मुकेश सहनी पहुंचे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश की धरती पर। चिराग पासवान के साथ साथ अब मुकेश सहनी ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का मन बनाया और पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि निषाद संकल्प यात्रा को लेकर आजकल काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे वीआईपी के प्रमुख और सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी, अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती का रुख किया है और निषाद संकल्प यात्रा को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनकी बात एनडीए से हो नहीं पा रही है और जिस तरह से उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर अपना मामला रखा था उसको देखते हुए अब मुकेश सहनी को एकमात्र उम्मीद योगी आदित्यनाथ से है। हालांकि दो दिन पहले ही उनकी मुलाकात चिराग पासवान से भी हुई थी, लेकिन शायद चिराग पासवान से उनकी बात प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई, जिसके बाद अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ का रुख किया है, क्योंकि निषाद संकल्प यात्रा को लेकर और निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में संकल्प यात्रा निकालने के बाद अब उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया है और उत्तर प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक मुकेश सहनी के लिए कोई भी ऑफर सामने नहीं आया है, जिसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश सहनी को अब एकमात्र सहारा एक बार फिर से एनडीए को ही लेकर है और इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के दौरान ऐसा हो सकता है कि कहीं दोनों के बीच की बड़ी बातचीत एनडीए में वापसी के रास्ते खोल सके और जो सीट शेयरिंग का मामला था वो भी मामला शायद सुलझ सके। तो ऐसी खबरें आ रही है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।